लाइव डिजिटल टीवी देखे बर हमर ट्विटर पेज News36 लाइव ला फॉलो करो और लाइक करो। जय जोहार। लेकिन
सबने अपने छोटे भाई बहनों जो आज बोर्ड की परीक्षा में अपीयर हो रहे हैं उनकी अप्रत्यक्ष रूप से आपने बहुत बड़ी मदद की है। इसके लिए आप सभी सराहना के पात्र। प्रिय विद्यार्थियों, आप में से जिन विद्यार्थियों को आज स्वर्ण पदक और उपाधियां प्राप्त हो रही हैं उन सबको मैं बधाई देता हूं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले 74 विद्यार्थियों में से बेटियों की संख्या 47 है। और जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने उल्लेख किया कि यहां पर हमारे 10 ये जो रेशियो है वो 6 और 9 का नहीं है बल्कि रेशियो है 7 और 3 का। एक बेटी हमारी जो क्वीनी यादव उसको 1 मेडल नहीं बल्कि 2 मेडल। इसलिए मेडल पाने वालों की संख्या 9 हो सकती है, बेटियों की उनमें बेटियों की संख्या 6 हो सकती है, 3 हमारे बेटों की है, लेकिन वो जो 6 बेटियां हैं उन्होंने 7 मेडल हासिल किए। और मैं सोच रहा था कि इस बच्ची का जिसने 2 मेडल हासिल किए हैं उसके माता पिता ने उसका नाम क्वीनी याद रखा, लेकिन उसने अपनी परफॉर्मेंस एक्सलेंट इन परफॉर्मेंस के जरिए साबित कर दिया है कि वो क्वीनी से बढ़कर के अब क्वीन यादव कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, और नामांकन में भी बेटियों की संख्या बढ़ रही है। बेटियों की उपलब्धियों को देखकर यह भरोसा होता है कि अवसर मिलने पर बेटियां हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकती हैं। ये सुनहरे भारत की एक तस्वीर है जो आज हम सब लोग बेटियों के माध्यम से देखते हैं। शैक्षिक जीवन में आप सबको जो सफलता प्राप्त हुई है उसमें आपके माता पिता और शिक्षकों के तहत सहायता, मार्गदर्शन और स्नेह की बहुत बड़ी भूमिका है। उनके समर्पण तथा प्रतिबद्धता की जनता मुझे उनके संतुष्टि भरे चेहरों पर दिखाई दे, उपलब्धियों की ऊर्जा और उल्लास से भरे इस वातावरण में सभी अभिभावकों, शिक्षकों और पूरे विश्वविद्यालय परिवार की मैं सराहना करता हूं। एक बात की ओर आप सबका ध्यान दिलाना मुझे प्रासंगिक है कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य केवल डिग्री प्राप्त करना ही नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान बनना है। और मैं प्रायः कहता हूं कि जो अच्छा इंसान होगा, यदि वो डॉक्टर होगा तो अच्छा डॉक्टर होगा, टीचर होगा तो अच्छा टीचर होगा, विद्यार्थी होगा तो अच्छा विद्यार्थी होगा, और यहां तक कि यदि वो अच्छा इंसान होगा और वो यदि अच्छा पति भी हो सकता है और अच्छा पिता भी हो सकता है। इसी प्रकार से यदि बेटी हमारी अच्छी इंसान बनकर के उभरती है तो वो एक अच्छी पत्नी, अच्छी माँ और अच्छी बेटी की भी भूमिका निभा। विद्या में नैतिक मूल्यों का समावेश बहुत आवश्यक है, क्योंकि नैतिक मूल्यों के बिना प्राप्त विद्या समाज के लिए कल्याणकारी नहीं है। प्रिय शिक्षक, हर विश्वविद्यालय के लिए कर्तव्य है कि वो विद्यार्थियों में ईमानदारी, अनुशासन, सहिष्णुता, कानून के प्रति सम्मान और समय पालन जैसे जीवन मूल्यों का संचार करे। सभी विद्यार्थीगण एक लोकतांत्रिक देश के सच्चे नागरिक बन सकेंगे और कानून के शासन को मजबूत बनाएंगे। आज दुनिया में भारत की पहचान एक आधुनिक व उद्यमी राष्ट्र के रूप में हो रही है। इसके लिए सभी देशवासी, विशेषकर हमारे परिश्रमी युवा बधाई देते हैं। आप जैसे युवाओं की ऊर्जा के बल पर ही हम आज दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इको सिस्टम तैयार कर सकते हैं और आधुनिक प्रौद्योगिकी से लेकर अंतरिक्ष विज्ञान तक के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल करने में सफल। छत्तीसगढ़ में आदिवासी भाई बहनों की बहुत बड़ी आवाज है।
मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय हमारे आदिवासी बेटे बेटियों के जीवन में शिक्षा की ज्योति का प्रसार था। मुझे ये बताया गया है कि विश्वविद्यालय ने शिक्षा शोर के संबंध में नवाचार को प्रोत्साहन देने के लिए विलुप्त हो रही भाषाओं के संरक्षण हेतु इंडेंजर्ड लैंग्वेज सेंटर की स्थापना की। इन भाषाओं का संरक्षण समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाषाओं को बचाने से हमारी परंपराओं और संस्कृति की भी रक्षा हो सके। पूरी दुनिया के उत्कृष्ट विश्वविद्यालयों का अनुभव यही रहा है कि उनके पूर्व विद्यार्थी विश्वविद्यालय की कीर्ति के ध्वज बात है। मुझे बताया गया है कि इस विश्वविद्यालय के पूर्व विद्यार्थियों में से कई प्रशासक, टेक्नोक्रेट, वैज्ञानिक आज देश और दुनिया के अनेक उत्कृष्ट संस्थानों में अपनी सेवा प्रदान करते हैं। उन सभी से मेरा अनुरोध कि अपना कुछ समय और संसाधन विश्वविद्यालय के शैक्षणिक व शोधकालों को दें और विद्यार्थियों का मार्गदर्शन। मैं इन सभी पूर्व छात्रों से मैं और अनुरोध करूंगा जो कभी कभी विश्वविद्यालय अर्थात जिस विद्यालय में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की हो वर्ष में एक बार वहां पर जरूर विजिट करें। मुझे लगता है उससे वहां पर शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों का बहुत हौसला। और सज्जनों, पिछली बार जब मैं छत्तीसगढ़ आया था तो हीरा नाम में महिला स्व सहायता समूह और किसान समूहों के भाई बहनों से भी मिलने का सुअवसर था। वे लोग मिलजुलकर एक ही परिसर में खेती, बागवानी, पशुपालन, मुर्गी पालन, शहद उत्पादन, जैविक खेती और राइस मिल चलाने जैसे कार्य किए और उन्होंने इस प्रकार की सफलता पाकर के एक मिसाल दी। उस यात्रा के दौरान मैंने नक्सली हिंसा से प्रभावित परिवारों के बच्चों के लिए स्थापित आस्था विद्या मंदिर में विद्यार्थियों से उनके अनुभव सुने और उनकी संकल्प शक्ति भी देखी। मुझे विश्वास है कि नक्सलवाद की विचारधारा से भ्रमित कुछ लोगों द्वारा की जाने वाली हिंसा से पीड़ित परिवारों को शिक्षा की रोशनी के सहारे आगे बढ़ने का जो अवसर प्राप्त हो रहा है उससे हिंसा और आतंक का दुष्प्रभाव दिशा में प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा नौजवानों को रोजगार खेती आदि के लिए दी जाने वाली सुविधाएं सराहनीय। देवी और सज्जनों, यह बहुत प्रसन्नता की बात है कि कुलाधिपति के रूप में विश्वविद्यालय को श्री अशोक मोदे जैसे शिक्षाविद और प्रोफेसर अंजिला गुप्ता जैसी ऊर्जा वाले को प्राप्त। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने स्वयं भी आदिवासी भाई बहनों को उत्थान के लिए सर्व प्रयास किए। इस नेतृत्व की पृष्ठभूमि में गुरु घासीदास विद्यालय को अपने लिए कुछ महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय करने थे, जैसे आने वाले 10 वर्षों में यह विश्वविद्यालय देश के सर्वोत्तम विश्वविद्यालय में शामिल हो या फिर सेंटर ऑफ एक्सलेंस। इस प्रकार के कुछ महत्वाकांक्षी लक्ष्य हमें तय करते ही आगे बढ़ना है, लेकिन एक चीज में इसके साथ साथ और भी कहना चाहूंगा। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय, एक समाज में इस प्रकार की मान्यता है कि जो केंद्रीय विश्वविद्यालय होता है वो परफॉर्मेंस वाइज जो है वो स्टेट यूनिवर्सिटी से बेटर है। और इसलिए मैं सबसे न केवल इस विश्वविद्यालय के लिए बल्कि आई एम एक्सपेक्टिंग ऑल द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इंक्लूडिंग द प्रेजेंट वन टू परफॉर्म बेटर एज कंपेयर टू स्टेट यूनिवर्सिटीज इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन एंड अदर अलाइड सर्विसेज। यू ऑल आर मैंडेटेड टू प्रूव योर वर्थ बीइंग अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। और मैं कहता हूं कि जब हमारा ऊंचा होता है, संकल्प मजबूत होते हैं तो हमारे प्रयास भी उस दिशा में अपने आप प्रबल हो जाते हैं। अंत में एक बार फिर मैं आज के दीक्षांत समारोह में
डिग्री और अवार्ड प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई देता हूँ। मेरी कामना है कि जीवन के नए चरण में प्रवेश करते हुए आप अपने शिक्षकों से मेरी सीख तथा माता पिता एवं बड़ों से मेरे आशीर्वाद के बल पर खूब सफलता प्राप्त करें। सुभाष से संतोष, आपका जीवन तक मंगलमय हो। धन्यवाद। जय। मैं मुख्य अतिथि माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी, भारत के राष्ट्रपति के प्रस्थान पूर्व सभी उपस्थित जनों से राष्ट्रगान हेतु खड़े होने के लिए अनुरोध